बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स विद अस के साथ मैं हूँ आपका अपना सैफुल्ला कुंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में आज हम पढ़ेंगे जनरल लेजर। जनरल जर्नल की ट्रांजैक्शंस कल हमने की थी, आज हम जनरल लेजर के बारे में पढ़ेंगे, जनरल लेजर टी अकाउंट्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आउटलाइन में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल लेजर के बारे में, उसके बाद टी अकाउंट्स के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। सो जनरल लेजर, इट इज़ अ वे टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिखने का, रिकॉर्ड करने का एक वे है। जैसे जनरल जर्नल था हमारे पास, जनरल जर्नल के बाद हमारे पास आता है जनरल लेजर। फॉर एजुकेशनल पर्पज द टी टाइप लेजर इज़ यूज टू लर्न द पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच इज़ कॉल्ड टी अकाउंट्स। एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से हम टी टाइप का लेजर पढ़ते हैं। कौन सा लेजर? टी टाइप का लेजर पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करने के लिए, पोस्ट करना सीखने के लिए। ट्रांजेक्शन्स को किस तरह पोस्ट करना है वो सीखने के लिए हम एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से टी टाइप का लेजर सीखते हैं, जिसको हम टी अकाउंट्स कहते हैं। सो टी अकाउंट्स क्या होते हैं? इट इज़ कॉल्ड टी अकाउंट बिकॉज इट लुक्स लाइक अ टी। इसको टी अकाउंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टी की तरह दिखता है। इस तरह ये देखें आप, ये एक टी की शक्ल में नज़र आता है, टी अल्फ़ाबेट की शक्ल में नज़र आता है, इसलिए इसको टी अकाउंट कहा जाता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द टी इज़ डेबिट साइड। इस टी की जो लेफ्ट साइड होती है, ये वाली साइड, इसको डेबिट साइड कहा जाता है। द राइट साइड ऑफ टी इज़ क्रेडिट साइड, और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है। आपको वैसे भी पता है कि डेबिट जो है वो लेफ्ट साइड एंट्री होती है और क्रेडिट जो है वो राइट साइड एंट्री होती है। सेपरेट टी अकाउंट इज़ फॉर्म्ड फॉर एवरी अकाउंट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजेक्शन। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, ये जनरल जर्नल में और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि जनरल जर्नल में हमारे अकाउंट्स बने हुए थे और उसमें हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट अकाउंट टाइटल लिखकर, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखकर और डेबिट और क्रेडिट लिख रहे थे। इसमें भी हमें डेबिट और क्रेडिट ही लिखना है, लेकिन जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होगा उसका अलग से एक सेपरेट टी अकाउंट बनेगा। टी अकाउंट बनेगा जिसके ऊपर ये आप देख रहे हैं कि उसके टी अकाउंट के, उस टी के ऊपर हम अकाउंट टाइटल लिखेंगे, जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा उस अकाउंट का टाइटल लिखेंगे, फिर उसमें जो भी डेबिट एंट्रीज हैं, जो भी क्रेडिट एंट्रीज हैं, वो उसमें पोस्ट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। सो द सेपरेट टी अकाउंट इज़ फॉर्म्ड फॉर एवरी अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब के लिए एक अलग से सेपरेट टी अकाउंट्स बनाए जाएंगे। बट इफ़ सेम अकाउंट रिपीटेड इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बट अगर अगली ट्रांजेक्शन में, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में सेम वही अकाउंट जो हम पहली ट्रांजेक्शन में बना चुके हैं, अगर वही सेम अकाउंट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रिपीट हो रहा है, अगेन उसका जिक्र हुआ है, वो इन्वॉल्व हो रहा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में भी, तो द एंट्रीज कैन बी रिकॉर्डेड इन दैट सेम टी अकाउंट। तो उसकी जो एंट्रीज होंगी, जो भी डेबिट एंट्रीज होंगी, जो भी क्रेडिट एंट्रीज होंगी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, अगर वो डेबिट हो रहा है वो अकाउंट या फिर क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी जो भी एंट्रीज होंगी वो उसी सेम टी अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी जो कि हम पहले बना चुके हैं। नो नीड टू फॉर्म सेपरेट टी अकाउंट फॉर दोज विच इज़ ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड। सेपरेट, अलग से दूसरा टी अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं उन अकाउंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी हम बना चुके हैं। जो टी अकाउंट हम एक बार हमने बना लिया, वो आगे चलकर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स में अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसी टी अकाउंट में हम उसकी एंट्रीज लिखेंगे, उसके लिए अलग नया फिर से वही सेम नाम का अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। सो अब हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? फॉर्म टू सेपरेट टी अकाउंट्स। सबसे पहले तो हमें यह याद रखना है कि सेपरेट टी अकाउंट्स बनाने हैं विद द टाइटल ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, उन अकाउंट्स के नाम से जो कि ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले हमें जो ट्रांजेक्शन मिलेगी उसको हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब के नाम से टाइटल देकर हम टी अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप है राइट डेबिट एंट्री टू द डेबिट साइड, मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द टी अकाउंट। उसके बाद उस अकाउंट की अगर सपोज कर लें, एग्जांपल ले लें कि कोई एक ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश और कैपिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक कैश और एक कैपिटल, कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो उसके बाद हम डेबिट एंट्री को जो कि किसकी है, कैश की है, मतलब कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश टी अकाउंट के लेफ्ट साइड पर, मतलब डेबिट वाली साइड पर वो डेबिट एंट्री लिखेंगे। एंड क्रेडिट एंट्री टू द क्रेडिट साइड, मीन्स राइट साइड ऑफ दैट टी अकाउंट,
और क्रेडिट एंट्री जो भी होगी, वो जो भी क्रेडिट हो रहा है, तो हमारे पास कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल टी अकाउंट के राइट साइड पर, क्रेडिट साइड पर हम क्रेडिट एंट्री को लिखेंगे। थर्ड स्टेप इन दिस वे, सेपरेट टी अकाउंट्स आर फॉर्म्ड फॉर सेपरेट अकाउंट्स। इस तरीके से हर अकाउंट जो भी ट्रांजैक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व होता जाएगा, उस अकाउंट के लिए सेपरेट टी अकाउंट्स बनता जाएगा। बट ओनली वंस, लेकिन सिर्फ एक बार। देन ऑल द ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग दैट अकाउंट, फिर उसके बाद उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, आइदर डेबिट और क्रेडिट, अगर चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो या कुछ भी हो, कैन बी पोस्ट देयर, उसी में पोस्ट की जाएंगी, उसी में रिकॉर्ड की जाएंगी, उसी टी अकाउंट में लिखी जाएंगी जो कि एक बार बन चुका है। सो फॉर एग्जाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक ट्रांजेक्शन है हमारे पास, ऑन जून 12 मिस्टर हुजैफा इनिशिएटेड अ बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 25,000। हुजैफा ने 25,000 रुपीज़ कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपीज़ कैश के साथ। इन दिस ट्रांजेक्शन टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, एसेट एंड ओनर्स इक्विटी। एसेट इन टर्म्स ऑफ कैश इज इंक्रीजिंग एंड सिमिलरली द ओनर ओनर इज इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, सो ही इज इंक्रीजिंग हिज इक्विटी। तो एसेट हमारा और ओनर्स इक्विटी किस टर्म्स में, किस बुनियाद पर हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक तो कैश की सूरत में एसेट इन्वॉल्व है, और कैपिटल की सूरत में ओनर्स इक्विटी हमारा इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली जो हम अकाउंट्स कहेंगे वो दो अकाउंट्स हैं, बोथ द अकाउंट्स इन द ट्रांजेक्शन आर इंक्रीजिंग। एक तो ये बात आप समझ रहे हैं कि दोनों जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में। और कौन कौन से दो अकाउंट हो रहे हैं? बेसिकली दो अकाउंट्स जो हैं वो हैं कैश और कैपिटल, जो कि इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं। इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक कैश और दूसरा कैपिटल। 25,000 कैश जो कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है मिस्टर हुजैफा, वो कैश इन्वॉल्व है। और कैश को हम क्या कहते हैं? कैश हमारा क्या है? एसेट है, जो कि क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है। उसके बाद वो अपना पैसा लाया है, अपना पैसा इन्वेस्ट करने को कहते हैं कैपिटल। तो दूसरा हमारा अकाउंट हो गया इन्वॉल्व कैपिटल। कैपिटल हमारा किस में आ जाता है? ओनर सिक्योरिटी में। और ये क्या कर रहा है? ओनर सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बिजनेस में पैसा वो लेके आया है, ले आ रहा है, अपना पैसा बिजनेस में ला रहा है। तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है। कैश हमारा एसेट है, तो कैश की वजह से एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, और कैपिटल की वजह से ओनर सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो नाउ व्हेन एसेट इंक्रीज इट इज़ डेबिटेड। तो जब भी हमारा एसेट इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट कहते हैं। ये हम पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह समझा चुका हूँ, डेबिट और क्रेडिट के लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता जा रहा हूँ। सो एसेट हमारा जब भी इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट कहते हैं, डेबिट एंट्री कहते हैं। और एंड ओनर सिक्योरिटी इंक्रीज इट इज़ क्रेडिट, और जब भी हमारी ओनर सिक्योरिटी इंक्रीज होती हो तो वो क्रेडिट एंट्री कहलाती है। सो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, किस तरह से टी अकाउंट्स इसके बनेंगे लिखेंगे? तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास दो अकाउंट्स थे, एक तो कैश था, एक कैपिटल था। मतलब आपको ये तो पता चल गया कि दो अकाउंट्स हैं, तो दो टी अकाउंट्स बनेंगे, एक कैश का टी अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल का टी अकाउंट बनेगा। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर एक कैश का टी अकाउंट, ये देखें मैंने टाइटल दे दिया कैश, ये टी अकाउंट बना दिया। यहाँ पर कैपिटल का टी अकाउंट बना दिया। सो उसके बाद कैश हमारा क्या है? एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैश में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। 25,000 रुपीज़ कैश में डेबिट हो रहे हैं, तो हमने कैश अकाउंट के लेफ्ट साइड वाली डेबिट साइड पर हमने डेबिट एंट्री लिख दी। डेबिट एंट्री थी 25,000। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, डेट के बाद हम वो एंट्री, वो अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पर मुझसे डेट में गलती हो गई है, मैंने ट्रांजेक्शन में 12 जून दी गई है, लेकिन मैंने आज की डेट यहाँ पर लिख दी है 17/6। तो इसका कोई मतलब अभी तो मसला तो है, लेकिन अभी मैं मुझसे गलती हो गई, आप इसका ध्यान रखिएगा। जो ट्रांजेक्शन में आपको मेंशन की गई हो डेट वही लिखनी है। तो यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, डेट के बाद वो अमाउंट लिखेंगे। ये हमने अमाउंट लिख दिया कैश का। दूसरा अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो रहा था कैपिटल, जो कि ओनर सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर रहा था। ओनर इक्विटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो वो क्या कहलाती है? क्रेडिट एंट्री। तो हमारे पास क्रेडिट एंट्री क्या है? वो भी 25,000 रुपीज़ क्रेडिट एंट्री है, कि 25,000 रुपीज़ ओनर सिक्योरिटी में आ गए, कैपिटल में आ गए। तो ये क्रेडिट एंट्री, तो इसके लिए हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल टी अकाउंट की राइट साइड पर
मतलब क्रेडिट वाली साइड पर हम क्रेडिटेड एंट्री लिखेंगे, क्रेडिट एंट्री लिखेंगे, तो ये हमने यहाँ पर डेट लगाकर फिर वो क्रेडिट अमाउंट लिख दिया। तो ये था टी अकाउंट्स, इस तरह से टी अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, टी अकाउंट्स को बनाया जाता है और उसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर पूरा एक लेक्चर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी टी अकाउंट्स मतलब पूरा एक जनरल लेजर बनाएंगे, हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनका लेजर, जनरल लेजर बनाएंगे। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे देंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।